पहाड़ी मोहन में आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज आ चुका हूँ मैं सीएम मुख्यम, जो सामने है सीएम रामगढ़ का मंदिर, भव्य मंदिर हमारे सामने सीएम मुख्यम का, भगवान कृष्ण भगवान का बहुत भव्य मंदिर है। और यहाँ का जो दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा बैकग्राउंड पीछे का भी आप देख सकते हैं। और ये हमारे छोटे भाई, कैसे हो गाइज आप? गाइज ये है हमारे साथ आज कैमरामैन, और ये बनाएंगे वीडियो अच्छे से। जैसे मना के राजा तेरी जय जय हो। तो लड़कों में हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं भगवान मंदिर में, यहाँ पर कौन से, हाँ मैं लेके आ रहा, कोई नहीं। ले जी हम खड़ा हुआ, चला 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 बस ही माँ या थोड़ी वाल गाइस। दोस्तों ये सेमनाग राजा भगवान का मंदिर कम से कम 100 के ऊपर, कम से कम 1.5 किलोमीटर ऊपर ये मंदिर, भव्य मंदिर बनाया गया है यहाँ पर। सुंदर सा मंदिर बनाया गया है यहाँ है, आप देख सकते हैं भगवान सेम नागराजा का मंदिर। हेलो तो गाइस, इतना सुंदर मंदिर आ रखे आपको मैं यहाँ पर पहाड़ों के बीच, भव्य मंदिर भगवान सेम नागराजा का मंदिर है सेम मुख्यम, कम से कम लमगांव से 20 किलोमीटर दूर पे यह भव्य मंदिर बनाया गया है। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर, कई श्रद्धालु ये लोग यहाँ पे आते हैं। सेम हमारे पहाड़ों की सुंदर सा नज़ारा, जो कि यहाँ से हम जाएंगे सतरंजो सौड़, यहाँ पर भगवान सेम नागराजा का मंदिर, यहाँ से सीधा ऊपर के लिए। ये देखिए थोड़ा पैदल है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। हमारे परिवार सारा आज भगवान सेम नागराजा के दर्शन करने आए हैं। ये देखिए कितना सुंदर, पहाड़ों के बीच
भगवान सेम नागराजा का मंदिर है। और यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर भगवान सेम नागराजा का शतरंज सोड है, जहाँ की भगवान कृष्ण भगवान खेला करते थे। एक कहावत है, तो हम अभी जा रहे हैं, तो आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से वहाँ पे भगवान कृष्ण भगवान के पैरों के छापे भी हैं, जो कि हमने सुने हैं, देखे भी हैं, एक पत्थर पे हैं, तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगा। थोड़ा थकान भी लग चुकी है, क्योंकि चढ़ाई है यहाँ पर, बहुत नीचे से आए मैं चढ़ के, और आज हम भगवान सेम नागराज के दर्शन करने आए हैं। जय हो सेम नाग राजा तेरी जय बोला, सुंदर सा पहाड़ों का बीच ये बसा हुआ मंदिर सेम भगवान राजा का। करीबन यहाँ से अभी आधा किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, और वहाँ शतरंजी सोड़ भगवान कृष्ण भगवान का नृत्य खेलकूद होता था। तो गाइस पहुँच चुके हम शतरंजी सोड़, यहाँ का शतरंजी सोड़ ना बड़ा शॉट, यहाँ पर प्लान पूरा प्लान है, और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ झंडी है, वहाँ पर भगवान कृष्ण भगवान का ये तप्पड़, बहुत ही सुंदर तप्पड़, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और अभी यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है, क्योंकि आज चित्रा सेम मुखिया में आ रखी, तो उसका फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे। और तो पापा जी को भी थक लग गई है, और हमारी बीवी तो अभी, और एक कैमरामैन भी आ रहे हैं बीच में। भाभी हटो वहाँ से, फोटो बिगड़ जाएगी। मोनका तू है, मोनका जी भाभी हटो, हट गई यार। दोस्तों आखिरकार हम सोड़ शतरंज सोड़ पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा पहाड़, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे हमारे जो सामने आप बर्फबारी का पहाड़ भी देख सकते हैं, यहाँ का सुंदर सा सुंदर देख सकते हैं जी। और यहाँ पर हमारे घरवाली अभी इतनी सुंदर लग, भाभी जी इसकी थैंक यू, और बहुत ही सर हमारी बहन भी जा रही है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर शतरंज सोड़ के। अरे नहीं, वो बहुत ही अच्छा कैमरा मैन है। बनाते हैं, और अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेके आते रहूँगा, तत्पर रहेंगे, हर टाइम आपके लिए ब्लॉग बनाया जाएगा। चाहे मैं कहीं भी हूँ, अपने गांव वालों का सुंदर सा नज़ारा दिखाऊंगा हर टाइम, और शतरंज सोड़ को आगे व्यू दिखाते हैं आपको आगे का व्यू दिखाते हैं, और बर्फबारी का पहाड़ भी देख सकते हैं आप सामने, जो एवरेस्ट की चोटियां हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है। आप उधर से बताइए, मैं इधर से बोलता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप इन्हें, गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा नजारा, यहाँ से मैंने धक्का दे दूंगा सीधा, पलटी मार के सीधे गए, भाभी धक्का दे दू, पहाड़ों के बीच बचा हुआ, चलो भागते भागते नीचे मत जाना, ऊपर आने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे, पूरा पहाड़ सामने, पूरा पहाड़ों के बीच ये अच्छा सा सुंदर सा दृश्य। और वहाँ पे मैं खड़ा होके आप लोगों को कुछ बताऊंगा, तो आप लोग कैमरामैन आप मेरे पीछे आए, आप आगे का फोटो दिखाएं, वीडियो दिखाएं मेरे दर्शकों को। तो गाइस आखिर में यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना सुंदर सा नज़ारा है, और कैमरामैन से मैं थोड़ा कहता हूँ कि आप हमारे पीछे से अच्छे से फोटोज वीडियोस शूट करें, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बसा गांव पहाड़ों के बीच, बहुत ही सुंदर सा गांव से मुख्यम। ओके गाइस, दिन गांव, अब हम भाभी को निकालते हैं। तो गाइस हम आगे चलते हैं, आगे जाके हम आपको अच्छी सी वादियाँ दिखाएंगे।